दांत का घरेलू उपचार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं अक्सर कई बार कुछ घरेलू उपचार भी बताती हूँ जो बहुत प्रभावी है और बहुत बार कई लोगों के ऊपर अजमाया हुआ है। देखिए, मौसम जब बदलता है तो भी कई तरह की स्किन डिसीज होती है, या फिर जिनको पसीना बहुत आता है तो उनको भी ऐसी समस्याएँ आती हैं। मैं आज जिस दांत के ऊपर बात कर रही हूँ, ये फंगल इन्फेक्शन है और अक्सर ये उन जगहों पर होता है जहाँ पसीने से वहाँ पर थोड़ा गीलापन रहता है, नमी रहती है, और इसमें इतनी खुजली आती है कि आदमी खुजलाते खुजलाते स्किन हट जाती है, घाव हो जाता है, और अक्सर ये ब्राउन कलर के एक पैच के रूप में दिखाई पड़ता है जिसके किनारे नुकीले नुकीले उसमें दाने से उभरे हुए रहते हैं। इनके लिए आप बाहर में जितनी भी दवा लगा लीजिए, ये नहीं जाएंगे। आप लगाते रहिए तब तक आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं फिर से ये वापस वहीं खुजली वहीं पर वैसे ही हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ घरेलू उपचार ऐसे हैं कि जिनसे आप इनसे मुक्त तो हो सकते हैं। एक तो ये देखिए, एक दूसरे के अगर जिनको अगर दाद है उनकी चीज़ें अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आपको ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला फंगल इन्फेक्शन है तो वो आपको भी लग सकता है। एक तो जिसको हुआ है उसके कपड़े और सब कुछ अलग कर दीजिए। दूसरा, जिनको दाद हो रही है वो नीम के पानी से कुछ दिन नहाए, और अब घरेलू उपचार में जो बता रही हूँ अगर ये कर लेंगे आप तो विश्वास मानिए आपको कुछ उपचार में तो पहले दिन से ही आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। जैसे जो मुफ्त का बिल्कुल उपचार, जैसे कि नींबू, नींबू आप लोग सभी लोग हम सब यूज़ करते हैं और नींबू का छिलका निचोड़ने के बाद फेंक देते हैं और उसमें लेकिन थोड़ा बहुत रस लगा रह जाता है, बस आपको वही लेना है, उसको लीजिए। और जहाँ पर दाग है बेशक वो जलेगा, कुछ देर चलेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी जादू की तरह ठीक भी करेगा। आप उस जगह पर नींबू के उस छिलके को रगड़िए, 2 मिनट तक रगड़ के छोड़ दीजिए, जलेगा 5-7 मिनट में वो जलन शांत हो जाएगी, लेकिन उसे धोइएगा मत। आप ऐसे समय लगाइए कि देर तक वो लगा रहे, जैसे नहाने के बाद लगा लिया, रात में सोने से पहले लगा लिया, या फिर दिन में जब याद आए तो फिर एक बार लगा लिया। तो ऐसे 2-3 बार दिन में जब लगेगा तो आप अगले दिन इसका बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे, वो जगह धीरे धीरे उसकी जलन घाव सब भरने लगेगा, शांत होने लगेगा, और 2-3 दिन कर लेंगे तो वो बिल्कुल वहाँ से कभी मतलब फिर होगा ही नहीं। अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। हरड़ सब जानते हैं, पंसारी की दुकान पर हरड़ मिल जाती है, तो वो हरड़ ले आए और उसको सिरके में घिस ले, घिस के उस पेस्ट को वहाँ दाद वाली जगह पर लगा दे, तो ये भी दाद के लिए बहुत अच्छा उपचार है। या फिर पुदीने की पत्तियाँ तो सबके पास है, पुदीना घर में भी लगा होता है, बाजार में मिल जाता है, तो पुदीने की पत्तियों का रस दिन में 4-5 बार निकाल के लगाए, ताज़ा लगाए, तो इससे भी दाद बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक और उपचार बता रही हूँ, वो है इमली के बीज। इमली के बीज को नींबू के रस में घिस के लगाने के लिए, हालांकि देखिए थोड़ा सा मुश्किल है इमली के बीज को घिसना और फिर लगाना, लेकिन जब दाद है उस खुजली से परेशान है तो हम दूर करने के लिए तो कुछ भी करेंगे। लेकिन नींबू वाला जो मैंने छिलके का बोला है, ये मैंने बहुत लोगों पर अजमाया है, और पुदीने वाला भी बहुत सरल है, जिसको करके आप दाद से बिल्कुल 100% छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि दाद की समस्या, एक तो हम जहाँ कहीं जाते हैं खुजली आएगी, सबके सामने हम खुजलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका रोग 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और इन उपायों को आजमा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखेंगे, क्योंकि 100% पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा और ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें,
और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।